All right, assalamu alaikum students once again, and this is my another video, and the topic is same, organic chemistry. I hope that all of you are fine and study hard and trying to get and study hard at your home to get maximum A grade in all subjects, especially in my subject. Little bit greed is there, thoda sa lalchi hona padta hai. All right, so in the last lecture we have discussed the chemistry of alkanes, general properties of homologous series of alkanes, their characteristic properties, their reactions, and some questions from past papers. Today I will give you some very important point little more on alkanes. Look, at that day I told you when alkane burned gives carbon dioxide and water and the reaction is exothermic. Typical example is methane, CH4. When methane burns in the gaseous form in the presence of 2 moles of oxygen, produce carbon dioxide and water, and this is typical combustion reaction. Delta H is -890 kilojoule per mole. This negative sign indicates that -890 kilojoule per mole heat will be given out if 1 mole of methane burns. Per mole means 1 mole of methane. Look, what is the difference? When carbon dioxide and water is produced, this is the indication that oxygen is in good supply. Oxygen is in good amount, good supply of oxygen. So remember, my dear students, whenever alkane burns or any organic compound, alkanes or any organic compound burns in the presence of good supply of oxygen, always carbon dioxide produce and water produce. अगर एग्जामिनर आपको इस तरह की इक्वेशन दे दे जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन हो रहा हो, अल्केन अल्कीन अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड बन हो रहे हो, कंबस्शन रिएक्शन हो, और प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड हो, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आपके पास गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है. नाउ सो व्हेनेवर अगेन आई एम टेलिंग टू यू, गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. एग्जामिनर क्या कर सकते हैं आपके पास, सिमिलर रिएक्शन, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, द प्रोडक्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, अगेन डेल्टा एच इज नेगेटिव, व्हाटएवर वैल्यू. मुझे ये वैल्यू याद है इसलिए मैंने लिख दी है, मुझे वैल्यू याद नहीं है वो आप देख लें, डेटा बुकलेट में गिवन होगी, एग्जामिनर आपको देगा अगर स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पर बनाएगा. यहाँ पर लुक एट द डिफरेंस, मीथेन मीथेन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, O2, द प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, प्रोडक्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड इन वाटर. दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इंडिकेट के ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन वी डू नॉट हैव ऑक्सीजन इन गुड सप्लाई, वी हैव लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वी हैव लिमिटेड सप्लाई of oxygen. This that is why in the product side we will have carbon monoxide instead of carbon dioxide. This is indication, this reaction shows. अब इसको आप बैलेंस कर लें, बैलेंस करने का वही ट्रेडिशनल तरीका है. 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पर है तो आप यहाँ 2 लगा दीजिए, 2 to the 4. यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 ये वाले और 1 3, तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको किस तरह करेंगे आप, 3 upon 2 O2, तो ये बैलेंस हो गई, 2 पर 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन यहाँ बचे, 2 1 plus 2 oxygen 3, इक्वेशन बैलेंस है. लेट्स चेक इट आउट वंस अगेन, 1 carbon 1 carbon, 4 हाइड्रोजन, 2 to the 4 हाइड्रोजन, 3 upon 2 oxygen मीन 3 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन और 1 3 ऑक्सीजन इज बैलेंस. What is the common thing in these two reactions? The common thing is that methane is burning. The most common important feature in both reactions, water is producing. Water is produced.
इन द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ मीथेन, वन मोल ऑफ मीथेन, वी विल हैव वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वन मोल ऑफ वाटर, बट इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन वी विल हैव वन मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड टू मोल ऑफ वाटर. वाटर की क्वांटिटी बढ़ गई, वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी. दिस इज द इक्वेशन. आप चाहें तो इसको कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं. कैसे करेंगे? इस पूरी इक्वेशन को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें. कैसे? अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारे पास इक्वेशन बनेगी? इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2CH4 प्लस, मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 कैंसिल, 3 ऑक्सीजन, 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल. लुक, 2 कार्बन, 2 कार्बन, 2 4 का 8 हाइड्रोजन, 4 2 का 8 हाइड्रोजन, 3 2 का 6 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ये और 4 ऑक्सीजन ये. This equation is same. Over here also, limited supply of oxygen. That is why carbon monoxide is produced. Examiner आपको ये equation भी दे सकता है, ये equation दे सकता है. Class में मैंने आपको दोनों सिखाई हैं. This is all about combustion reaction with good supply of oxygen with limited supply of oxygen. Third reaction is there. तीसरा reaction भी है. Look, this is good supply. Again, I am telling to you again and again. This is good supply of oxygen. This is limited supply of oxygen. In limited supply of oxygen, carbon monoxide is formed. In good supply, carbon dioxide formed. In both cases, water is formed, but different number of moles. यहाँ पर one mole है, यहाँ पर two mole है. और ये एक ही है, इसको complex कर दिया हमने. एक और बात समझ लीजिए. बात हो सकता है ये question दे दे. Methane बन हुआ CH4 oxygen में, लेकिन इस दफा कार्बन प्रोड्यूस हो गया और वाटर प्रोड्यूस हो गया. अगेन द थर्ड कंडीशन, कंडीशन नंबर वन, गुड सप्लाई, लिमिटेड सप्लाई. यहां क्या हुआ? मीथेन का मोल बन हुआ, क्या प्रोड्यूस हुआ? कार्बन, सॉलिड स्टेट, इट इज कॉल्ड सूत, HWT सूत प्रोड्यूस हो गया. ये इक्वेशन, ये रिएक्शन जब होगा, जब एक्सट्रीमली लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एक्सट्रीमली लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा. ठीक है, अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए. वन कार्बन, फोर हाइड्रोजन, टू टू द फोर हाइड्रोजन, यहाँ पर टू ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन टू ही रहेगी. गैस सॉलिड एंड लिक्विड, ये सूत पैदा होगा कार्बन, ब्लैक कार्बन. व्हेन वी विल हैव वेरी लिमिटेड, एक्सट्रीमली लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. तो केस नंबर वन, गुड सप्लाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, लिमिटेड सप्लाई कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, एक्सट्रीमली लिमिटेड सप्लाई कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन वाटर. थैंक यू वेरी मच. इस वीडियो में मैंने आपको तीनों रिएक्शन का डिफरेंस बता दिया. स्टोकियोमेट्री आ चुकी है. Stop.